नमस्ते सभी को, क्लास 11 के सभी बच्चों को। देखो लास्ट वीडियो में यार हमने क्या पढ़ा था कि है ना, क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमने 0 से 90 डिग्री के तक के बारे में पढ़ा था कि 0 से लेकर 90 डिग्री कैसे निकलती है, और मैंने आपको वीडियो भी दे रखा था इसका और आपने देखा भी होगा। अब बात करते हैं, तीन चीजें हमारी एक्स्ट्रा और आ गई क्योंकि क्लास 10th की बात है, वो तो 11th में आए, एक लेवल ऊपर बढ़े हो तो थोड़ा सा लेवल भी बढ़ाएंगे, है ना, मैथ्स की इज्जत का सवाल है। तो 180 डिग्री, 270 और 360 आपके अमर अकबर एंथनी और आ गए। देखना कैसे बनते हैं। पहले अपन 90 डिग्री तक का बनाएंगे पूरा ना, एक बार फ्लैशबैक में जाएंगे, उसके बाद में तीन चीजें अपन एक्स्ट्रा और बाद में बनाएंगे। तो देखना एक बार फटाफट से, 0/4 ऐसे बनाया था ना अपन ने, 2/4, 3/4 और 4/4, इन सबका रूट कर दो। तो देखो 0/4, 0 में 4 से डिवाइड करो 0, और 0 का रूट तो 0 ही आएगा। 1/4 का रूट क्या हो जाएगा, 1/2, 2 से ये कटेगा 2 टाइम, तो 1/√2। 3 का तो √3 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, और ये 4/4 1 का रूट 1 ही होगा। इसमें जस्ट इसको इधर से घुमा दो, उल्टा घुमा दो इसको, 1 है ना कोस में, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टेन क्या होता है आपका, साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस ले लो, 0 में 1 से डिवाइड करो कितना आएगा आपका 0, इसमें डिवाइड करो 1/2 में, √3/2 से, तो 1/√3 इससे करो डिवाइड करो इसमें इसमें, तो ये हो जाएगा 1 है ना, और √3/2 में 1/2 से डिवाइड करो √3, और 1 में डिवाइड करो 0 से, तो इन्फिनिटी आएगा। फिर 10 क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कोट जस्ट इसका उल्टा घुमा दो तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, इनवर्स कर दो तो ये हो जाएगा √3, ये 1/√3 और ये आपका 0। सेक क्या होता है आपका, 1/cos, तो cos का सब cos ये रहा, तो 1/cos क्या हो जाएगा, 1/1 तो 1 ही, √3/2, 2/√3, 1/√2, √2, 1/2, 2, और 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी, और cosec क्या हो जाएगा, sec का इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, फिर 2, √2 और 2/√3 और 1। ये मैंने वापस इसलिए बताया आपको क्योंकि देखो ना, एक बार जिसको आती है उसके रिकॉल भी हो जाएगा, और जिसको नहीं आती है, जो क्लास 10th में इससे बच गया था, वो भी इसको अच्छे से एक बार याद कर लेगा, ठीक है ना। याद रख तो अपन ने पहले भी पढ़ रखा। अब बात करते हैं तीन चीजों की, जो नई चीजें हैं, 180, 270, 360 का कैसे निकाले। तो देखो यहां से ध्यान से देखना, 90 से है ना, 90 से वापस लेंगे, बस चार चीजें याद रख लो, 1, 0, माइनस 1 और 0, इतना सा याद रख लो, 1, 0, माइनस 1 और 0, बस खत्म, टाटा बाय बाय। देखो ये वापस कोस क्या होगा, इसका इनवर्स होगा ना, उल्टा हो जाएगा, तो 0, माइनस 1, 0 और 1, 90 से 360 वाले चार चीजों में अपन कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद 10 क्या होता है आपका, साइन अपॉन कोस, तो 1 में 0 से डिवाइड कर इन्फिनिटी, 0 में माइनस 1 से करो तो 0, माइनस 1 में 0 से करो इन्फिनिटी, 0 में 1 से करो तो ये आएगा 0। कोट क्या होगा, 10 का इनवर्स, तो ये 0, ये 0, इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी। सेक क्या होता है आपका, 1/cos, तो ये रहा cos, तो इसका उल्टा इन्फिनिटी सही है, माइनस 1 का माइनस 1 ही हो जाएगा, 0 का फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1 का 1 ही होगा। कोसेक क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, तो 1, इन्फिनिटी, माइनस 1 और इन्फिनिटी। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये टेबल समझाई है, बस अब ये चार चीजें याद रख लेना, बाकी वो का वही है, साइन की वैल्यू निकली पूरे ऊपर की, तो कोस इसका रिवर्स हो जाएगा, कोट 10 क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कोस, कोट फिर 10 का रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, सेक 1/cos, ठीक है, और कोसेक क्या हो जाएगा, सेक का रिवर्स हो जाएगा। इतनी सी बात है जो समझनी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या अपनी जो पेनी पेनी नजर है वो इस पर आराम से देख लो, और बहुत ही इजी टेबल है, और ये आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आराम से एंजॉय करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।